गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फीलिंग वेल एट योर प्लेसेस। मायसेल्फ विनय कुमार शिव फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशन ग्रुप कोटा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर वन, नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन अप्रैल मंथ। हम वापस रिवाइज करते हैं। चैप्टर वन इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम पहले नंबर्स की नॉलेज रखते हैं कि व्हाट इज द नंबर्स। नंबर्स के अंदर जो है हमारे पास में फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर सिस्टम तो हम पढ़ रहे हैं, बट स्टूडेंट्स को जो है नंबर्स की नॉलेज ही नहीं होती कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट इज रेशनल, व्हाट इज इरेशनल एंड व्हाट इज रियल नंबर्स। क्लियर? तो नेचुरल नंबर, इट्स सिंबल इज कैपिटल एन, एंड द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड गोज टू इनफिनिट, इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर वन से स्टार्ट हो रहे हैं, इनफिनिट तक जा रहे हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेकेंड इज होल नंबर्स। होल नंबर्स इट रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू, एंड द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे एंड गोज टू इनफिनिट, इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। थर्ड इज इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, वे टू रिप्रेजेंट बाय आई और जेड। इंटीजर्स फ्रॉम आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने नंबर लाइन पे क्लास 8 में भी रिप्रेजेंट किया है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। दिस नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वे टू डिफाइन अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी क्यू आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स होते हैं जिस नंबर को हम p बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बाय 5, 5 बाय 3, 7 बाय 2, ऑल दिस नंबर्स आर रैशनल नंबर एंड p एंड q आर इंटीजर्स। एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज यदि हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, नाउ द वैल्यू 1/0 इज इनफाइनाइट, तो हमारा नंबर ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए रैशनल नंबर के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि हमारी q की वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और पी क्यू को हम इंटीजर्स भी कह सकते हैं, एंड ऑल्सो पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स होते हैं नंबर विच इज कॉमन फैक्टर इज वन, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम तब तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक कॉमन फैक्टर वन नहीं आ जाता, जस्ट लाइक 4/6, और 4/6 को हम 2/3 लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है। क्लियर? अब अगर हम 2/3 का कॉमन फैक्टर देखें तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2/3? कॉमन फैक्टर इज 1। क्लियर? नाउ रैशनल नंबर भी क्लियर। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिस नंबर को हम पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। बेसिकली इरेशनल नंबर को हम ऐसे याद रख सकते हैं, द नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इन स्क्वायर। जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जस्ट लाइक √2, √3, √5, √7, π, पाई इज बेसिकली इज एन इरेशनल नंबर, बट 22/7 इज अ रेशनल नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर।
क्लियर। तो जो भी हम नंबर्स की स्टडी करते हैं उसमें हमारा सबसे बड़ा ग्रुप रियल नंबर्स है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ऑल द नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो। क्लियर। बट इन क्लास 9 बेसिकली इन फर्स्ट एक्सरसाइज वी आर डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हम डिस्कस करेंगे वो रेशनल नंबर के बारे में करेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चंस में बेसिकली पूछा जाता है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। दो रेशनल नंबर अगर आपको दे दिए जाए 2 अपॉन या 2 और 3, तो हम इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस पे बेस बन सकता है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर एग्जिस्ट बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप 2.001 से लेके और 2.999 इस तरह से ड्यू टू एग्जिस्ट द इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब हम प्रोसीजर पे आते हैं क्योंकि हमें 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने बिटवीन द 2 रेशनल नंबर 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच में वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। क्लियर। तो एक प्रोसीजर तो है कि फर्स्ट वे टू फाइंड n प्लस 1, एक मेथड है कि हम इसमें n प्लस 1 फाइंड करते हैं। n उस नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को प्रेजेंट करता है जिसको हमें फाइंड करना है। तो हाउ मेनी रेशनल नंबर वे टू फाइंड 5। तो 5 प्लस 1 इज 6। क्लियर। तो जो भी n प्लस 1 से जो वैल्यू फाइंड होती है उससे हम फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और लास्ट टर्म को भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। एंड वी टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम R1, R2, R3, R4, R5। क्लियर। तो 6 3 18 अपॉन 30 एंड दिस इज 24 अपॉन 30। अब हम अगर देखें तो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, और लाइक फ्रैक्शंस के अंदर जब हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो बेसिकली नंबर्स जो है एग्जिस्ट बिटवीन द टू नंबर्स। क्लियर। तो 18 के बाद लाइक फ्रैक्शन में कंटिन्यूशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 एंड हाउ मेनी रेशनल नंबर वी हैव टू फाइंड, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। तो इस तरीके से हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू। इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q फॉर्म में नहीं होते हैं। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है इसमें हमारे पास, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन। यस, वे टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। वे टू ड्रॉ द नंबर लाइन। यहां भी ओरिजिन हो गया, दिस इज 1 सेंटीमीटर पे दिस इज 1 दिस इज 2। क्लियर। अब यहां पे अगर हम बेस 2 यूनिट कंसीडर करते हुए 2 यूनिट पे एक 90 डिग्री सब्टेंड करें। क्लियर। यहां से मैंने एक आ कट करी 60 और यहां से आ कट करी दिस इज 120 और एक 60 से और एक 120 से आ कट करेंगे दिस इज 90। क्लियर। अब यहां पे जो अपनी 90 वाली जो लाइन है इसमें हम इसको 1 सेंटीमीटर कंसीडर करके बाकी को इरेज कर दें। क्लियर। एंड इट इज ज्वाइन बाय द ओरिजिन पॉइंट 0 एंड वे टू रिप्रेजेंट दिस इज O A एंड B एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल।
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, और किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जब आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से उसका हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। देन ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, एंड ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए इज टू यूनिट एंड ए बी इज वन यूनिट, टू का स्क्वायर इज फोर, वन का स्क्वायर इज वन, फोर प्लस वन इज फाइव, एंड वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, रूट से बाहर आएगी तो स्क्वायर हट गया, ओ बी इक्वल्स टू अंडर रूट फाइव यूनिट, और यहां पे हम कंपास रखेंगे बी तक ओपन करके, जैसे ही हम एक आर कट करेंगे दिस इज द पोजिशन ऑफ रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हमें टू मार्क्स में पूछे जाते हैं कि रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन, क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशियल नंबर एंड इरेशियल नंबर। रेशियल नंबर और इरेशियल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होता है वो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरेशियल नंबर, रैशनल और इरेशियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें बताना है, क्लियर। तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रैशनल नंबर और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, क्लियर। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, स्टूडेंट्स लर्न तो कर लेते हैं बट उनको यही पता नहीं होता है व्हाट इज द मीन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जस्ट लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल 3/5, क्लियर। अब मैं अगर 3/5 को डिवाइड करता हूं 3 को 5 से तो मुझे 0 लेना पड़ेगा, एंड 0 लेते इट इज पॉइंट, और 30 गोज टू 6 टाइम एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जब हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए और डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप्ड हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर। नॉन दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, ये जो पोजिशन है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट लाइक द एग्जाम्पल 20/3, क्लियर। अब अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करता हूं तो सी हियर 3/6 = 18, नाउ 2 इज रिमेनिंग, फिर अगेन 0 लगाया तो पॉइंट, फिर 3/6 = 18, फिर सब्स्टिट्यूट किया 2 रिमेनिंग, फिर 0 लगाया तो 6 टाइम 2 इज रिमेनिंग, एंड दिस प्रोसेस गोज टू इन्फिनिट, क्लियर। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद हमारे जो डेसिमल में वैल्यूज है वो बार बार रिपीट हो रही है और कहां तक जा रही है, इन्फाइनाइट तक। अगर एक डिजिट हमारे पास इन्फाइनाइट तक जा रही है, वे टू रिप्रेजेंट इट इज 20/3 = 6.6 bar, क्लियर। अगर दो डिजिट्स कंटिन्यू रिपीट होकर इन्फाइनाइट तक जा रही है तो हम 2 डिजिट्स पे बार लगाएंगे, 3 डिजिट्स जा रही है तो हम 3 डिजिट्स पे बार लगाएंगे, देन इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग समझ में आ गया, तो इसको हमें याद रखना है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशियल नंबर, इरेशियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इरेशियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्लियर। अगर हमने यहां पे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद में हमें पॉइंट में जो वैल्यू मिल रही है वो ना तो रिपीट हो रही है और पॉइंट में जो वैल्यूज जा रही है वो कहां तक जा रही है, इन्फिनिट तक जा रही है, वी कैन से दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर,
क्लियर। कई बार क्वेश्चंस के अंदर आता है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हाउ कैन वी प्रूव दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्लियर। जस्ट लाइक मैंने कोई क्वेश्चन लिखा यहां पे 3/80। क्लियर। अब क्वेश्चन में कहता है कि दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। ये जो रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो हम अगर इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 5, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 × 4 × 5/1। एंड बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी, ये हमें टेंथ में भी याद रखनी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि यदि हमारा डिनोमिनेटर 2^m × 5^n की फॉर्म में आता है तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां m और n यहां पे होल नंबर्स। क्लियर है समझ में। अब यहां पे अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो पावर सेम बनाने के लिए मैं इसको 5^3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि 2 और 5 कॉमन हो जाए। इट इज 3 × 5³ = 125 एंड दिस इज 2 × 5^4। क्लियर। और जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 5 × 3 = 15। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6 = 7 एंड 3 × 1 = 3, इट इज 375/10^4 एंड दिस इज 375/10,000। और हम 4 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0.0375। तो हम कह सकते हैं हमारा जब डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप्ड हो गया तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, और अगर केवल टर्मिनेटिंग को प्रॉपर्टी बेस पे पूछता है तो आप डिनोमिनेटर चेक करें। डिनोमिनेटर यदि 2^m × 5^n की फॉर्म में आता है तो डेफिनेटली दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन आता है जस्ट लाइक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, यू टू गिवन 0.6 बार। क्लियर। तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। और वी हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें इस नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसका जो p/q फॉर्म है उसको हम x की फॉर्म में एज्यूम कर ले, तो x = 0.6 बार, और जो x की वैल्यू निकलेगी वो किस फॉर्म में होगी, p/q फॉर्म में। क्लियर। तो यहां पे एक मेथड होता है कि जितनी डिजिट्स पे बार लग रहा है उतने हम 10 के मल्टीपल से बोथ साइड्स प्रोडक्ट करते हैं। या एक डिजिट पे बार लग रहा है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया 10x, और 10 × 0.6 बार को 0.666 गोस टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं। क्लियर। अगर मैंने यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, तो 000 ये भी एक्सपेंशन कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, और ये 10 से 10 विल बी कैंसिल। क्लियर। अब यहां नीचे 20 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 10x = 6.66 गोस टू इनफाइनाइट, एंड ऑल्सो वी टू रिप्रेजेंट 10x = 6.6 बार। क्लियर। और 6.6 बार को मैं लिख सकता हूं 6 + 0.6 बार। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो यहां पे 10x में से x को सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड सब्सट्रैक्ट होगी, और राइट साइड में राइट साइड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 + 0.6 बार में किसको माइनस करेंगे, 0.6 बार। क्लियर। नाउ पॉजिटिव नेगेटिव विल बी कैंसिल, 10x में से 1x के तो 9x = 6 एंड x = 6/9 एंड 6/9 = 2/3।
एंड द डेसिमल एक्सप्रेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. तो हमने जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू गिवन थी उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. क्लियर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इज द ऑपरेशंस यूज इन रैशनल और इरेशनल नंबर्स. सी हियर, जब भी हमें दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें. गिव एग्जांपल, जस्ट लाइक 2/3 एंड 1/6. क्लियर, दिस टू नंबर्स आर रैशनल नंबर R1 एंड R2. क्लियर, अब जब इनका एलसीएम लेंगे तो व्हाट इज द एलसीएम? 6. 3 में 6 गोज टू 2 टाइम टू 2 जो 4 प्लस 1. नाउ दिस इज 5/6. क्लियर, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे? वी हैव टू एड द टू रैशनल नंबर, देन रिजल्टेंट नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर. तो व्हाट वी कैन से, जब दो रैशनल नंबर्स को चाहे हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो भी रैशनल नंबर होगी. क्लियर. नेक्स्ट इज, जब रैशनल और इरेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट करते हैं तो इट इज 2√3 एंड इट इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर. तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम रैशनल में इरेशनल को चाहे हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट करें, डिवाइड करें, जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी दिस इज इरेशनल नंबर. क्लियर, जब हम इरेशनल में इरेशनल को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमें आइदर रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है. जस्ट लाइक एग्जांपल, √2 × √7 दोनों ही इरेशनल नंबर है और प्रोडक्ट किया तो क्या मिला? इरेशनल नंबर ही मिला. क्लियर, तो दिस इज इरेशनल नंबर. और यदि मैं √2 × √8 को प्रोडक्ट करता हूं, दिस इज √16 एंड √16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4. व्हाट वी कैन से, दिस इज इरेशनल बट द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज रैशनल. तो हमें याद रखना है कि दो इरेशनल नंबर्स को चाहे हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है. क्लियर, तो बेस्ड ऑन रैशनल एंड इरेशनल, इरेशनल और रैशनल पे बेस्ड क्वेश्चन जहां पे हम इनकी ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं. नाउ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.4 इज रिलेटेड एक्सरसाइज. 1.4 इस सेशन में आपके नहीं है. एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, 3 + √3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 + √2. क्लियर, अब मुझे इनको प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपली प्रोडक्ट करें जिस तरह से क्लास 8 में पढ़ा था हमने. दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट दिस, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 + √2 एंड √3 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2 + √2. क्लियर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. 3 × 2 = 6. 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3 √2. 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2 √3 एंड √3 × √2. दिस इज 6 + 3 √2 + 2 √3 एंड √3 √2 इज √6. क्लियर, तो दिस इज रैशनल नंबर बट कोई अदर रैशनल नंबर नहीं है इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे. 3 √2 की कोई और टर्म्स नहीं जिसको हम इसमें ऐड कर सके, दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 3 √2. 2 √3 की कोई अदर फॉर्म नहीं है, √3 की कोई अदर फॉर्म नहीं जिसको हम इसमें ऐड कर सके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे + √6. नाउ दिस इज योर फाइनली आंसर. क्लियर, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, सेकंड का, दिस इज √5 − √2 × √5 + √2. क्लियर, एंड दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ a − b × a + b एंड द आइडेंटिटी ऑफ दिस इज a² − b² तो आइडेंटिटी एक्सप्रेस करें तो क्या लिखेंगे, दिस इज √5² − √2² और √5² = 5, √2² = 2 एंड 5 − 2 = 3. तो हमें जो
नंबर्स गिवन थे बेसिकली रेशियल्स थे, बट अगर हमने इस पे प्रोडक्ट किया आइडेंटिटी यूज करी तो जो रिजल्टेंट नंबर मिल रहा है इट इज रैशनल नंबर बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. क्लियर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन इज बेसिकली यूज व्हेन योर डिनोमिनेटर इज रेशियल नंबर. रैशनलाइजेशन पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजेशन. और रैशनलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है बिकॉज हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर. आप देख सकते हैं ए इज इरेशनल, रूट बी इज इरेशनल, और जब रैशनल में रेशनल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट इज इरेशनल नंबर. क्लियर. तो रैशनलाइजेशन हमें हेल्प करता है कि हम हमारे डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर. क्लियर. तो यहां पे वन अपॉन ए माइनस अंडर रूट बी. और रैशनलाइजेशन बेसिकली बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी एग्जाम से मोस्टली पूछा जाता है. आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि हम इसके कॉन्जुगेट साइन से रैशनलाइज करते हैं. अगर माइनस है तो हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसी टर्म के कॉन्जुगेट साइन प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और यहां प्लस होगा तो माइनस. क्लियर. तो यहां माइनस है तो हम इसको प्लस से रैशनलाइज कर दें, ए प्लस रूट बी अपॉन ए प्लस रूट बी. तो वन से ऊपर प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर तो ए प्लस अंडर रूट बी हो गया, और नीचे आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी. क्लियर. और ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एंड दिस इज ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर इज बी, एंड द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. तो मैंने आपको यही कहा था कि रैशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि हम हमारे डिनोमिनेटर को इरेशनल से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रैशनल नंबर. क्लियर. तो वन एग्जांपल बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 1.5. क्लियर. अब यहां पे क्वेश्चन इज 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6. मुझे इसको रैशनलाइज करना है. तो मैंने आपको बताया यहां पे अगर नेगेटिव है तो इसका कॉन्जुगेट साइन इज पॉजिटिव, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन. और रैशनलाइजेशन की हेल्प से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट साइन माइनस का कॉन्जुगेट साइन इज प्लस, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, इसी टर्म के पॉजिटिव साइन से, यानी रूट 7 प्लस रूट 6, एंड दिस इज रूट 7 प्लस रूट 6. और 1 से ऊपर प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर तो यही रहेगा रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे अगर देखते हैं दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, एंड द आइडेंटिटी इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एंड रूट 7 प्लस रूट 6, और यहां पे रूट 7 का स्क्वायर इज 7 एंड रूट 6 का स्क्वायर इज 6. नाउ दिस इज रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1, एंड योर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. क्लियर. आया समझ में. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दिस इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल. लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल. लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल. नाउ फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ए की पावर m इंटू ए की पावर n. व्हाट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल की सेम कॉमन बेस पे अगर डिग्रीज डिफरेंट है और हम इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल कहता है इस कॉमन बेस पे आपको डिग्रीज को एड कर देना है. क्लियर. तो ए की पावर एम प्लस एन, और यदि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं सपोज 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, और हम इस पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल लगाएंगे इट इज 2 की पावर 2 प्लस 3, एंड इट इज 2 की पावर 5, एंड 2 की पावर 5 इज 32. क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड इज ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, और ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम को हम लिखेंगे ए की पावर एम माइनस एन.
जब भी डिनोमिनेटर में डिग्री अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में डिग्री अपोजिट साइड में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे लाइक 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 3, देन इट इज 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल रूल इज थर्ड, a की पावर m की होल पावर n। पावर की होल पावर जब भी आपको दी जाएगी तो ये पावर्स या डिग्रीज प्रोडक्ट हो जाते हैं, वे टू राइट a की पावर m इनटू n। और इस पे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 2 के स्क्वायर की पावर 3, तो पावर की होल पावर प्रोडक्ट होगी तो इट इज 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 को अगर 2 को 6 टाइम्स लिखेंगे तो इट इज 64। क्लियर। फोर्थ इज a की पावर m इनटू b की पावर m, देन इट इज राइट a इनटू b की होल पावर m। एग्जाम्पल इज सपोज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, नाउ इट इज 2 इंटू 3 की होल पावर 2 एंड 6 का स्क्वायर इज 36 एंड द डिग्री ऑफ द बेस इज 0, नाउ इट्स वैल्यू इज 1। क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट? नोट्स ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।